हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज से हम जो न्यूज़ ऑन एयर की न्यूज़ हैं, पीआईबी की न्यूज़ हैं, द हिंदू की न्यूज़ हैं, इनके साथ इंडियन एक्सप्रेस और जो बाकी के जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण के, इनकी भी न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब जो भी न्यूज़ होगी, कंप्लीट न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज़ आई है वो आई है ग्लोबल पॉपुलेशन डे के बारे में, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, थीम वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। देखो, इसे 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनुमति, या आप बोल सकते हो कि सर्वसहमति दी गई थी, तो तभी से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो आयोजित किया जाता है। तो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो ऑर्गेनाइज है वो किया गया था, मतलब इसी रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर इसको ऑर्गेनाइज वगैरह किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1989 से यूएन है, इसने जो अनुमति दे रखी है और तब से इसे हर साल कंटिन्यू है, 11 जुलाई को आयोजित है वो किया जाता है। क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्वालिटी क्या, वो देखते हैं। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मतलब ये है यहाँ पे कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे इसे मनाया जाता है ताकि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन है, या सभी देश के हैं वर्ल्ड की, उनको इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस बताई जाती है पॉपुलेशन के बारे में कि देखो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, उन इश्यूज़ के बारे में इस दिन इन्फॉर्मेशन वगैरह वो स्प्रेड है वो की जाती है। तो ये बेसिकली इसका काम या थीम आप बोल सकते हो। अब बात करें इसकी मेन थीम की, 2018 की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम हुआ है फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट। मतलब फैमिली की प्लानिंग करना एक ह्यूमन राइट बन जाता है हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी आप सीखने से बोल सकते हो कि मानव का अधिकार है कि वो फैमिली प्लानिंग करके ही आगे चले। तो ये इसकी बेसिकली इस बार थीम है। देखो, आपको पता है कि अभी बता दूं कि इस साल हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 7 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। देखा जाए तो हर साल लगभग 78 मिलियन लोग हैं वो नए जन्म होते हैं, पॉपुलेशन लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के लिए और हम सब लोगों के लिए एक संकट बन सकता है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी अहम होता है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है या ऐसे जो न्यूज़ वगैरह है ये स्प्रेड करने के लिए ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसका बेसिकली यूज़ है वो किया जाता है। चलते हैं अब आगे आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। आर्टिकल ये है कि इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन की बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि 18 अक्टूबर को इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन है वो आयोजित की जाएगी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कंटेक्स्ट यहाँ पे हो गया है। एम क्या है वो देख लेते हैं। देखो, एम ये आपको पता है कि गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है और अभी आपको पता है कि इस साल महात्मा गांधी जी की 150वीं जब एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसी मौके पे गवर्नमेंट चाहती है कि स्वच्छ भारत मिशन को एक ऐसा रूप दिया जाए कि सभी लोगों को लगे कि हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड पे ऐसा फील हो कि हाँ यार, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया है, इंडिया के लोगों ने कुछ किया है, मतलब सैनिटेशन के लिए बहुत अच्छे स्टेप उठाए हैं। देखो, जो मेन मोटो बात करें अगर स्वच्छ भारत मिशन का, तो वो मेन मोटो ये है कि जो मैनुअल स्वेजनिंग होती है, स्वेजनिंग का मतलब होता है मेला डोलना, जैसे कि जो लोग नाली वगैरह साफ करते हैं हाथों वगैरह से, उन लोगों को एक्चुअली वहाँ से हटाना और वहाँ पर मशीन वगैरह का यूज़ करना। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल लोगों को बोलें कि भाई आप सफाई करो। सफाई का जिम्मा सब लोगों का है, अपने घरों में या बोल सकते हो कि बाहर भी सफाई सब लोग मिल बांट के करें। ऐसा नहीं है कि एक हम पर्टिकुलर किसी इंसान को दे दें कि हाँ भाई ये सफाई का काम है, ये केवल इसी इंसान का होगा, इसी कम्युनिटी का होगा। जैसे कि पहले इशू होता था कि दलित कम्युनिटी है वही सफाई वगैरह करेगी, मैनुअल स्वेजरिंग हुआ, गटर वगैरह की सफाई, ऐसे जो काम है वो सब लोग है वो मिल के करें और इनका मशीन वगैरह का बेसिकली यूज़ किया जाए, क्योंकि सफाई काफ़ी अहम हो जाती है। तो मैनुअल स्वेजरिंग को ख़त्म करने की दिशा में ही स्वच्छ भारत मिशन है वो बेसिकली चलाया गया था। अब बात करें हम इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन की, तो हर साल से बताया कि इस बार 18 अक्टूबर को आयोजित हो की जाएगी और ऐसा पहली बार हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि सफाई के लिए इस तरीके की सैनिटेशन कन्वेंशन है वो आयोजित की जा रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट काइंड ऑफ, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ही ऐसा पहली बार ऐसा काम करना है सफाई के लिए, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें एम है वो देख लेते हैं। इसमें इसका मेन मोटो ये है कि देखो, सफाई को तो प्रमोट करना ही है, इसमें क्या होगा, बिजनेस प्रोसेस जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, या फिर जो सूटेबल मॉडल है सफाई के लिए, कि भाई देखो हर सिटी की क्या होती है, अलग अलग ज्योग्राफी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग हमें मॉडल तैयार करने होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊँ, दिल्ली और मुंबई का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, दिल्ली के अंदर फ्लड वगैरह इतनी नहीं आती है, मुंबई में काफ़ी फ्लड आती है, तो वहाँ के लिए जो मॉडल वगैरह होगा वो फ्लड के अकॉर्डिंग हमें तैयार करना होगा सफाई वगैरह के लिए, हर सब कामों के लिए। जबकि दिल्ली का मॉडल कुछ अलग है, दिल्ली की प्रॉब्लम कुछ अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इसलिए यहाँ पे मॉडल है वो यहाँ की ज्योग्राफी के मुताबिक होगा। तो यही बात यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो, हर सिटी की जो ज्योग्राफी होती है ना, उसके मुताबिक वहाँ पे मॉडल है वो यूज़ किए जाएँ सफाई के लिए। इसके साथ ही नए जो इनोवेटर हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, या फिर आप बोल सकते हो कि नए जो बेनिफिशियरी हैं, उन सबको बीच में जो भी गैप है उसको खत्म किया जाए। देखो, तीन चीज़ें होती हैं
किसी भी कम कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये बिस्किट बनाना है, तो सबसे पहले तो बिस्किट बनाने का दिमाग में किसी के दिमाग में आइडिया होना चाहिए, तो वो तो हो गया यहाँ पे इनोवेटर। मतलब किसी के दिमाग में आइडिया कि हाँ यार ऐसे हम बिस्किट बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिस्किट बनाने का जो आइडिया है वही आदमी मैन्युफैक्चर कर ले, हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चर कर ले बट आइडिया उसका होगा, तो उसके पास हो सकता है पैसा वगैरह नहीं हो, तो वो क्या करेगा किसी मैन्युफैक्चर कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बनानी है। तो बाद में मैन्युफैक्चर कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी। इसके बाद में क्या होगा, मैन्युफैक्चर कंपनी क्या करेगी, लोगों को सप्लाई करेगी मार्केट में। तो ऐसे तीन स्टेप हो गई, पहले इनोवेटर की स्टेप आ गई, फिर मैन्युफैक्चर किया जाएगा चीज़ों को, और इसके बाद में यहाँ पे कि बेनिफिशियरी। तो इनके बीच में जो गैप होता है ना कई बार, तो कई बार क्या होता है कि इनोवेटर और जो मैन्युफैक्चर होते हैं इसके बीच में काफ़ी सारा गैप हो जाता है। अगर आप जानते हो कि इसके बीच में गैप ज़्यादा होगा तो जो इनोवेटर्स हैं उनका आइडिया मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाती है। या फिर इसी प्रकार आप ले सकते हो कि मेन चीज कंपनी से चीज़ें तो बन गई, इसके बाद अगर मार्केट में नहीं आ रही तो भी दिक्कत ही है। तो मतलब इनके बीच में जो गैप है ना उसको भी कम किया जाए ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग है वो बनी हुई रहे। और बाकी यहाँ पे कैसे क्या एक्शन ले जाएंगे वो भी यहाँ पे बताए गए हैं कि देखो जो सक्सेस स्टोरी वगैरह ना उनको शेयर किया जाएगा। एक जो भी उनकी 150वीं एनिवर्सरी आएगी गांधी जी की, तो उस मौके पे इनकी जो भी सक्सेस स्टोरी है स्वच्छ भारत मिशन की वो शेयर की जाएंगी कि देखो यहाँ पे ऐसे सफाई के लिए मॉडल अपनाया गया था, उसका ये बेनिफिट रहा है। इसके साथ ही एनजीओ वगैरह है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह है, कंपनी है, इनकी हेल्प से मैनुअल स्वेजनिंग है इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे और भी स्टेप है वो उठाने वाली है। तो एक कम्प्लीट आर्टिकल था जो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जूज़ गिलोगी। देखो अभी रिसेंटली 2-3 दिन से न्यूज़ में था कि जूज़ जो कम्युनिटी है इसको रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी रिलीजियस का टैग है वो दिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी बेसिकली एक तो ये पूछ सकती है कि गुजरात ये पहला स्टेट है जिसने जूज़ कम्युनिटी को माइनॉरिटी रिलीजियस का टैग है या दर्जा है वो दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये आपको बता दूँ कि रिलीजियस माइनॉरिटी है इससे पहले जूज़ को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दे रखी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो मतलब गुजरात है वो तीसरा स्टेट हुआ है जिसने जूज कम्युनिटी को माइनॉरिटी रिलीजियस का दर्जा है वो दिया है। अब देखो बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और माइनॉरिटी के बारे में, हमारे संविधान में कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है हम बात करें तो एक तरह से माइनॉरिटी के बारे में कि माइनॉरिटी कौन है कौन नहीं है। बट बेसिकली दो आधारों पे फंडामेंटल राइट में बताया गया है, एक तो बताया गया है रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटी और एक बताई गई है लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी। चलो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी और जो आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज माइनॉरिटी है उसको डिफाइन करते हैं। आपको उन आर्टिकल का फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आपको ये भी बताना है कि जो लैंग्वेज बेस पे जो माइनॉरिटी है वो इंडिया में कौन कौन सी हैं, मतलब लैंग्वेज के आधार पे इंडिया में माइनॉरिटी कौन कौन सी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिलीजियस बेस पे अगर हम बात करें धर्म के आधार पे, तो इंडिया में पहले 5 माइनॉरिटी थी, अभी 6 हो गई, वो है जैन। तो ये भी हमें अभी एक दो नई ऐड हो गई उसे भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो 6 कम्युनिटी कौन कौन से हैं, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी थी जिसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, फिर क्रिश्चियन आए, फिर सिखो और फिर बुद्धिज्म, फिर पारसी और सबसे लेटेस्ट की बात की थी यहाँ पे जैन को। तो ये 6 कम्युनिटी तो हो गई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात की तो सभी स्टेटों का अलग अलग होता है, तो यूपीएससी वो नहीं पूछेगी, बट हमें ध्यान रखना कि जूज को भी गुजरात गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का दर्जा है वो दे रखा है। तो ये ध्यान रखना कि 6 कम्युनिटी कौन कौन सी हैं। अब बात करें नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टॉप्स के बारे में, टारगेट ओलंपिक पोडलम स्कीम के बारे में। तो देख लेते हैं पोडलम स्कीम है क्या ही। देखो थोड़ा नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ओलंपिक पोडलम स्कीम टारगेट मतलब कुछ ओलंपिक वगैरह से रिलेटेड है। अब आपको बताया कि हमारे देश की जो खेल का एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अभी भी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी खेल के स्पोर्ट्स एरिया में उतनी ग्रोथ हो नहीं रही है। इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने काफ़ी सारे कैंपेन चलाए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हैं। और देखा जाए तो आप वो जैसे बता दूँ कि हर साल मतलब जब भी हर साल का तो मतलब नहीं मतलब जब भी ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं उस टाइम पे इंडिया को काफ़ी कम मेडल मिलते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि यार हमें ज़्यादा मेडल मिले, तो इसलिए इंडिया को काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी स्पोर्ट्स के एरिया में और जो टैलेंट है इसको बाहर लाना होगा रूरल एरिया से, ताकि फिर उसका ढंग से यूज़ किया जाए और इंडिया को काफ़ी अच्छा मेडल मिले जिससे इंडिया की प्रतिष्ठा वो भी और अच्छी बन जाए। इसीलिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है वो लाई गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की। अब देखो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना, इसके अंदर एक फंड है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। ये फंड क्या करता है, जो ओलंपिक वगैरह की तैयारी वगैरह कराने के लिए जो पैसा वगैरह फंड की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करवाता है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है ना उसकी हेल्प से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है वो बनाई ये लॉन्च है वो की गई है। मेन मोटो इसका ये है कि देखो हमारे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ताकि जो ओलंपिक होंगे उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेडल वो मिल सके, मतलब ओलंपिक में मेडल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए लिया
गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना वो इसमें काफ़ी सहयोग करने वाली है। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है ताकि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इसके लिए खेलो इंडिया अभियान भी लाया गया है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है लगातार, तो उसी के ध्यान में हमें यहाँ पर रखना है। इसके साथ दो तीन फैक्ट और यहाँ पर बन जाते हैं जब बात करते हैं हम यहाँ पर स्पोर्ट्स की। देखो जब बात होती है खेलों की तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है वो होता है अभिनव बिंद्रा कमेटी, ये हमें ध्यान रखनी है। अभिनव बिंद्रा कमेटी है वो स्पोर्ट्स के लिए जो इंडिया में टैलेंट है उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, इसके साथ ही उस टैलेंट को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि 2020 के ओलंपिक और 2024 के ओलंपिक में हमें दबा के मेडल वो मिल सके, मतलब हमें खूब मेडल मिले। इसके लिए अभिनव बिंद्रा कमेटी वो बनेगी है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने इसके साथ ही उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये कमेटी बनाई है ताकि 2020 का जब ओलंपिक होगा और 2024 के जो ओलंपिक होंगे उनमें हमें मेडल वो लगातार मिलते रहें। अब बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो वो यहाँ पर आती है मिशन ओलंपिक सेल की। एक वर्ड और यहाँ पे आता है इसी में, मतलब आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर ही वो आता है मिशन ओलंपिक सेल। तो सेल का मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्रांच हो गया, शाखा एक तरीके से आप कुछ बोलो, डिपार्टमेंट एक तरीके का। तो आप यह एक तरीके की बॉडी या डिपार्टमेंट है जो जिसका काम क्या है कि जो भी एथलीट होते हैं, जो भी आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन है, इनको एक्चुअली सपोर्ट है वो किया जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे टॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं ना और टारगेट ओलंपिक प्रॉब्लम स्कीम के लिए, उनको एक्चुअली आपको पता है कि सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये सेल है, ये शाखा का निर्माण है वो किया गया है। तो एक तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा कमेटी ध्यान रखनी है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टारगेट ओलंपिक प्रॉब्लम स्कीम क्या है, ये दो तीन चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ आई है, वो आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटी न्यूज़, कि राज्यसभा ने, इंडिया की जो राज्यसभा है उसने अभी रिसेंटली रवांडा की सीनेट के साथ एक MOU है वो साइन किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी सी न्यूज़ है बट फिर भी हमारे लिए बहुत काम की है। तो हमें इसके बारे में यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स वगैरह ध्यान रखने की भी क्या कंटेक्स्ट यहाँ पे बन जाता है। ऐसा पहली बार हुआ कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है अभी रिसेंटली, आप बोल सकते हो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकट नायडू, उन्होंने रवांडा की जो सीनेट है उसके साथ MOU वो साइन किया है। क्योंकि अभी रिसेंटली रवांडा के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया विजिट पे आए थे, और आपको पता है कि इंडिया है ना वो पार्लियामेंट्री डायलॉग है ना उसको काफ़ी प्रमोट करता है, इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग को। तो पार्लियामेंट के बीच में जो भी बातचीत होती है उनको आपस में और प्रमोट किया जाए ताकि पार्लियामेंट्री सेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बनाया जा सके। तो मतलब इंडिया पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करता है, और इसी तर्ज पे उन्होंने एक रवांडा की सीनेट के साथ MOU है वो साइन किया है। तो UPSC डायरेक्टली पूछ सकती है कि रिसेंटली किसने साइन वगैरह किया, तो हमें ध्यान रखना है इंडिया की राज्यसभा ने रवांडा की जो सीनेट है उसके साथ एक MOU साइन किया है। इससे फ़ायदा ही होंगे, एक तो इंडिया का जो इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग है वो बूस्ट होगा, इसके साथ ही जो स्टाफ की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे के जो स्टाफ वो मिलते रहेंगे पार्लियामेंट्री, तो उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए इशूज़ हैं उनके सोल्यूशन वगैरह सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाएगा, इंडिया की राज्यसभा के पर्सन लोग हैं वो शेयर अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, रवांडा की सीनेट के पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसी के साथ ही बायलेटरल रिलेशन आप बोल सकते हो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर, मतलब इंडिया को और रवांडा को दोनों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब आपको यहाँ पे सबसे लिए आपके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है कि आपको मैप के अंदर रवांडा की लोकेशन है वो देखनी है, तो आप मैप में जाइए और वहाँ पे रवांडा की लोकेशन है वो देखना है कहाँ पे, अफ्रीका में है रवांडा, और आप देखना है कि अफ्रीका में इसकी लोकेशन कहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वो आती है EBRD के बारे में, यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो कंटेक्स्ट ये है कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, इसका इंडिया भी मेंबर बना था, 69th वाला इसका मेंबर बना है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर तो बन गया है बट इंडिया को इससे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलने वाला, मतलब इंडिया को इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस इंडिया को इससे केवल और केवल एक तरीके से थोड़ा नाम बढ़ जाएगा, इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनके तहत इनडायरेक्टली फंडिंग मिल जाएगी। मतलब ये जो EBRD है ना ये इंडिया को पैसा नहीं देगा बट इसके साथ जो कंपनीज वगैरह काम करती हैं वो इंडिया के साथ टाइप कर लेंगी, तो इंडिया को प्रोजेक्ट वगैरह में बेनिफिट होगी, या फिर जॉइंट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी इंडिया की, और इकोनॉमिक्स जो इंटरेस्ट है वो इंडिया का सब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। UPSC पूछ सकती है कि इंडिया को फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पे भाई ये EBRD इंडिया को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा, ये हमें ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि EBRD के जो 69 मेंबर हैं इनमें सबसे अहम बात यह कि EBRD के वही मेंबर होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल होते हैं, मतलब लोकतंत्र को जो कंट्री प्रमोट करती हैं वही EBRD के मेंबर हैं वो बनती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बन जाता है कि केवल डेमोक्रेटिक कंट्री है वहीं पर EBRD या आप बोल सकते हो यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है वो काम करता है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसमें एशिया की कंट्री भी मेंबर है, मिडिल आप बोल सकते हो कि सेंट्रल एशिया की भी कुछ कंट्री यहाँ पे मेंबर हो जाती है, तो अकेली यूरोपियन कंट्री ही इसके मेंबर नहीं है। ओब्वियसली अगर इंडिया है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि अकेली ही यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर हैं। तो ये इसके बारे में एक न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।